गोपीनाथ शिवस्तनु बिंदायै तुलसी दीपाय प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Oh,
गद गद वाणी मुखे बाहिरी रे कापी बे शरीर श्रीवासादि
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय भक्त
गौर हरि पंच तथा जय गौर हरि। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सगर इदासी कुरु न कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सगर दासी को वैष्णव दया सागर विदासी को दिया।
क्षेत्र में प्राप्त जितना धन है, भजन राज्य में जो भी धन प्राप्त होता है वो किसकी इनहेरिटेंस होता है, किसकी संपदा होता है ना। हम यहां धन प्राप्ति के लिए आए, धन प्राप्ति के लिए आए कि नहीं आए? बिना अर्थ प्राप्ति के कोई कार्य होता नहीं, कोई फायदा ना हो तो कोई काम होता है नहीं होता ना। तो यहां फायदा ना हो तो कौन आएगा? यहां भी तो धन प्राप्ति के लिए आए। कौन सा धन? हाँ, कृष्ण प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। और ये प्रेम धन किसकी संपत्ति है, किसके पास है? वैष्णव के पास। और उनका प्रेम धन क्या है? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद विश्राम, सदैव विश्राम करते हैं। क्योंकि वो विश्राम करते हैं तभी तो वो अनुभव करते हैं, तभी तो उनके अंदर वो अनुभूतियां होती हैं और वो अनुभूतियों को दे सकते हैं किसी को। इसीलिए प्रभु जी ने कीर्तन देखो कितने सुंदर रूप से किया, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाचे पाचे। जब तक ये अंदर से विचार नहीं आएगा हम लोग कहां जाएंगे वैष्णव का अनुगत करने। और हमारा तो पूरा मार्ग ही अनुगत्य का, अनुगत्य छोड़कर ये मार्ग में कोई उन्नति नहीं। मैं खुद से कर लूंगा वो होने वाला नहीं। मैं खुद से मैथमेटिक्स पढ़ सकता, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, व्हाटएवर, क्या क्या आईटी है ना, सब कुछ पढ़ सकता मैं। कोशिश करके प्रयास करने की चीज है, जो जितना कर्मठ है वो पढ़ जाएगा, वो भी बिना भाग्य के मिलता नहीं है। परंतु ये राज्य वो नहीं है, ये तो अनुगत्य का राज्य है। अगर वैष्णव ने बोल दिया कृपा करके आप भगवत गीता पाठ करना रोज, तो कब हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये संपत्ति ही वैष्णवों की है, ये गूढ़ गुप्त उपदेश है गौड़िया मठ का। ये धन वैष्णवों का है, उन्हीं के जब हम लोग अनुगत में जाएंगे
उनके अनुकूल रहकर सेवा करेंगे, जो उन्हें पसंद है वो सेवा करेंगे, अपने मन की नहीं, वो सेवा करेंगे। तो वो एक दिन ऐसे प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका चित्त विगलित हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा उनका हार्ट। देखेंगे ये तो इतना लगा रहता है, इतना लगा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता, ये वास्तविक अधिकारी मैं इसको दूंगा। कहां गौर किशोर दास बाबा जी, जो उनको प्रणाम करने आता था, उनको कहते थे मेरा टाइम खराब करता है, भाग जाए यहां से, जाओ दफा हो जाओ, तेरा संसार नाश हो जाए, भाग जाए यहां से। वो तो कुछ उपहार लेके आया, पर उसकी मन की स्थिति गौर किशोर दास बाबा जी जानते, उसको भगा दिया। और कहा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको स्वयं अपने चरणों की धूलि दी, पूरे अंगों पर लेपित। ऐसा उपदेश आता है चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया। हम लोग पाठ करेंगे, इसके बाद पहले प्रभु जी कुछ कीर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ पाठ। बहुत बहुत बढ़िया बात बताएंगे। महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे, साउथ इंडिया भ्रमण, दक्षिण भारत गए थे, क्या हुआ वहां पर वो बताएंगे। परम करुणा हो दुइजा निताय गौर चंद्र, परम करुणा पहु दुइजा निताय गौर चंद्र, परम करुणा हो दुइजा निताय गौर चंद्र, परम करुणा पहु दुइजा निताय गौर चंद्र। Hey, hold up.
शासन बिगरे पशु पाखी जुरे पाषाण बिगरे सुनि जार तुन Hare Krishna
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे
श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम में आपका जी आपका स्वागत है, सभी का स्वागत। गुरु महाराज जी की हेतु की कृपा से, असीम अनुकंपा से हम सब लोग कार्तिक मास के बाद दोबारा से एकत्रित हुए ये संकीर्तन कार्यक्रम करने, ये संकीर्तन कार्यक्रम वैष्णव के अनुगत में करते हैं। आज अति विशेष विषय भगवत गीता का वास्तविक उपदेश, भगवत गीता का वास्तविक उपदेश। तो बाकी इतने सारे उपदेश हैं वो सब क्या हैं? वो गलत है, वास्तविक नहीं है। भगवद गीता में तो अनेकों उपदेश हैं, वास्तविक कौन सा उपदेश है? गौड़िया मठ, श्री चैतन्य गौड़िया मठ की क्या फिलॉसफी है? श्री चैतन्य गौड़िया मठ किसे वास्तविक उपदेश मानता है? श्री चैतन्य गौड़िया मठ किसे सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम ज्ञान मानता है? भगवत गीता का कौन से उपदेश ऐसे हैं जिन्हें भगवान स्वयं बोले ये सर्वगुह्यतम? सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट। एक होता है गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य मतलब छिपा, सीक्रेट, मोर सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट एंड टॉप मोस्ट सीक्रेट, उसे बोलेंगे सर्वगुह्यतम। सर्वगुह्यतम इस जितने भी तरह के सीक्रेट एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? किसमें? भगवत गीता में। उसमें से टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान क्या है? श्री चैतन्य गौड़िया मठ का क्या विचार है? ये हम लोग ये विषय को श्रवण करेंगे, हो सका इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते हो गया 8 दिसंबर और 11 दिसंबर को क्या है? वाह, मोक्षदा एकादशी, 11 सितंबर गीता जयंती, उसी को बोला जाता है, उसी दिन भगवान ने एक उपदेश,
हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे पहले पुरानी संस्था में, तो हमारे साथ एक या में तो बात करते करते याद आ गया, तो हम लोग सबसे ज्यादा गीता बिक जाएंगी कहाँ गए, बस स्टैंड में सेक्टर 17 में। तो मेरे साथ जो गया अवस्थी प्रभु जी, अभी भी मृदंग बजाते हैं बहुत अच्छा, अगर आप जानते हो, जानते हो। तो हम सब तब नए नए गीता पकड़ा दी जाके देखे आप, तो बस पे चढ़ गए, बस भरी हुई एकदम, दिल्ली जा रही है बस, उन दिनों दिल्ली की बस यहीं से चलती थी, अभी भी शायद यहीं से चलती है। तो उसमें चढ़ गए, बस में गीता बांट रहे। अब मेरी गीता बंटती नहीं है, मुझे संकोच होता है भाई, शर्म आती है, सबको बोलना नहीं जाता है ना, धोती कुर्ता तिलक लगा के उन्हें तो भेज ही जाओ गीता देखे आओ सबको। अवस्थी की गीता भट्टी जा रही, भट्टी जा रही, भट्टी जा रही, क्या हो गया, मैं देख रहा हूं ध्यान से वो क्या बोलता है। हां जी देवी सज्जनों, हम लोग आ गए हैं, हम लोग फला फला संस्था का नाम, यहां से यहां की इस ये गीता है भगवत गीता, इसका उपदेश अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दिया, आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़ना। जब जब ये अर्जुन ने भगवान को उपदेश दिया बहुत मंगल हुआ, आप सभी का भी मंगल होगा। इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है, गीता जयंती चल रही है, हम आपको 50 में दे देंगे। ये लो, ये दिव्य ज्ञान अर्जुन ने भगवान को दिया। मैं कमाल है यार, मतलब है ना, है? और उनकी गीता मुझसे कहीं ज्यादा, मैं तो बेच नहीं पाया दुष्कृत होती में, और उसको वापस आके हम हंसते गए सारे रास्ते, और वहां जाके कहानी बोल बोल के हंस रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं, इतना सबको सुना रहा हूं, सब हंस रहे। वो कहते कोई बात नहीं, और नु छट तो है, देख मैं गीता की नहीं बेच गए। तो देखो कुछ में है ना, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, भोले भाव होते ना। गीता पाठ का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। कौन बोलते हैं? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म लिखा, गीता जी के बारे में बताया, कितना गीता पढ़ने का क्या महत्व है, गीता पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा। हर चीज का लाभ पता हो तो फायदा होता है ना, बढ़िया होता है। तो आज हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले गीता का अध्ययन करने से, गीता का पाठ करने से, गीता का श्रवण करने से क्या लाभ होगा, सबसे पहले इसी उपदेश से श्रवण। सबसे पहले गीता महात्म्य। तो गीता महात्म्य प्रभु जी आपको व्हाट्सएप में है, उसको लगा दीजिए आप भी, आपके पास है। सबसे पहले लास्ट में, लास्ट में, लास्ट नीचे आओ, यही यही, इसी को खोल के लाओ। सबसे पहले अच्छा, गीता महात्म में बोलेगा कौन? हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ के बच्चे, युवा संघ के बच्चे, श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ के बच्चे गीता महात्म में बोलेंगे। सबसे पहले मैं आप ही में से आमंत्रित करता हूं हमारी प्यारी बिटिया हरिप्रिया। हरिप्रिया, गीता महात्म आदि शंकराचार्य जी ने गीता का महात्म बोला वो बोलेंगे। सबसे पहले हरिप्रिया आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। हरिप्रिया बोलेंगी और हम लोग कोशिश करेंगे पीछे पीछे बोलने की। तो सबसे पहला गीता महात्म्य का श्लोक हरिप्रिया देवी दासी द्वारा, इधर आ जा पास में आ जा, यहीं पे बैठना, खड़े खड़े बोल दे, कोई बात नहीं बोल दे। बोलो 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 बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम्। यः पठेत प्रयत पुमान्। यः पठेत प्रयत पुमान्। विष्णु पादम अवाप्नोति। विष्णु पादम अवाप्नोति।
भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। शाबाश, ये दोनों श्लोक हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? पहले वाली जो दो लाइनें हैं इनका अर्थ यह है कि अगर हम श्रद्धा से भगवत गीता को पढ़ते हैं और इनके श्लोकों का अमल करते हैं तो हमें विष्णु जी के चरण कमलों की पाद पद्मों की प्राप्ति होती है। और विष्णु वो है जो दुख और सारे दर्दों से मुक्त है, तो अगर हम भी उनके शरण में जाएंगे तो हमको भी मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा महत्व जो आपने बोला गीता अध्ययनशीलस्य, उसका अर्थ है कि यदि अगर हम ध्यान से गीता को पढ़ते हैं तो हमारे पुराने सारे पाप और पिछले जन्म के सारे कर्म गंदे वाले उनसे हम मुक्त हो जाते हैं, हमें वो भुगतने नहीं पड़ते। शाबाश, देखो भगवत गीता की कितनी महत्व है, भगवत गीता पाठ करने का कितना महत्व है। हरे कृष्ण पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विकास वामन महाराज जी की जय। चलो चलो चलो, दोनों श्लोक दोबारा बोल के अगला आगे बोलेंगे कार्तिक प्रभु। चलो दोनों श्लोक दोबारा बोलो। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत् पुमान् विष्णो पादम वाप्नोति भयशोकादि वर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। बहुत बहुत शाबाश। अगला तीसरा महात्म्य गीता का, गीता पाठ, गीता अध्ययन, गीता श्रवण का तीसरा महात्म क्या है? गीता पढ़ने से क्या होता है? आप बोलेंगे कार्तिक प्रभु, आप बोलेंगे कार्तिक प्रभु। हरे कृष्ण। मलिने मोचनं पुंसाम् जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। इसका अर्थ भी साथ बोलो। इसका अर्थ ये है कि हम जैसे मनुष्य लोग जो कि नित्य प्रति हम स्नान करते हैं, हम लोग नित्य अपने हम अपनी बॉडी को रोज साफ करते हैं और नहाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यह बताया जाता है कि जिस तरह हम मनुष्य अपनी बॉडी को हम जैसे पवित्र करते हैं और साफ सुथरा रखते हैं, अगर कोई भगवत गीता रूपी जो एक गंगा जल है उसमें कोई स्नान कर ले तो वो उसकी जो मलिनता है, संसार की मलिनता, जितनी भी संसार की मलिनता है वो उन सबसे पार हो जाएगा। एक बार अगर हमने भगवत गीता रूपी गंगा जल को अपना लिया, पढ़ लिया उसे, तो उसके बाद हमारे जितने भी ये संसार रूपी मल है उन सब से हम अलग हो जाएंगे, उन सब से हमारा त्याग हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट गीत। हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ। गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे, किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मनाद विनिश्रिता। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गीता है वो किसी और ने नहीं बोली, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है जब श्री मतलब भगवान बोलते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। तो यहाँ पर इस श्लोक का महत्व ये है कि भगवान कृष्ण ने, श्री भगवान ने खुद भगवत गीता कही है,
तो अन्य अन्य जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं उनको पढ़ने की नीड नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उसका सारा सार ही भगवद गीता में दिया। अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ने की मतलब उसमें नीड नहीं होती, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सारा सार ही श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। उसका पाठ करने से ही हमारा समस्त वेद पुराण का जो सार है हमें वो मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम। नेक्स्ट हम लोग हमारा यूट्यूब सेंसेशन भव्य कृष्णदास, भव्य कृष्णदास गीता महात्म्य श्लोक संख्या 5 और 6 ये बोलिए। भारतामृत सर्वस्वम् विष्णु वस्त्रादि विनिसृतम् गीता गंगोदकम् पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जो गंगा जल पीते हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है, और जो भी भगवत गीता का जो भी पान करते हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो भगवत गीता है वो कृष्ण जी ने खुद सुनाई है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुनाया। गीता महात्म्य 6 सर्वोपनिषदो गावो दुग्धोपाल नंदन सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन उसके बाद पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम् महत्। शाबाश, इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ के गीता उपनिषद। उप मतलब उपवास रखते ना तो बताते हैं निकटवास। उप का मतलब क्या होता है? निकट। शद मतलब बैठना, निकटवास करना, निकट बैठना, है ना? गीतोपनिषद, यह गीतोपनिषद किसके द्वारा कहा गया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, गाय के सामने बछड़ा जाता है तो गाय स्वतः ही अपने आप से वात्सल्यता से प्रेम से संबंध से दूध देना शुरू कर देती है। देती कि नहीं देती? अपने आप ही उसके दूध उतर आता है और दूध देना शुरू कर देती है स्वेच्छा से। इसी प्रकार यहाँ क्या बोला? अर्जुन बछड़े के समान है और श्री कृष्ण कौन है? गाय के तुल्य। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। ठीक है। शाबाश, क्लैपिंग फॉर हिम आल्सो। सब लोग ताली बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। ये बच्चे कैसे तैयारी करते हैं? एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स के बीच बीच में सब लोग तैयारी कर रहे हैं। कितना मुश्किल है देखो, अभी एग्जाम्स के बीच में भी ये लोग श्लोक याद करके आते हैं। अब एग्जाम्स में श्लोक नहीं लिखते ना। ठीक है। लास्ट बोलेंगे उद्धव दास। हरे कृष्ण। पहले श्लोक फिर उसका नहीं फोन नहीं चाहिए। देखो वहां भी दिखा।
हिंदी में ही है, कोई बात नहीं, बोलो आई विल असिस्ट यू, आई विल असिस्ट यू, डोंट वरी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मात्र तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। हम लोग पीछे बोलेंगे एक एक लाइन बोलेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, यहां से शुरू। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। देखो कितना सुंदर जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सब चीजों का सार क्या बोले, आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है सभी लोग। अतएव सारे विश्व के लिए एक, केवल एक शास्त्र भगवत गीता ही है। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण। अभी यहाँ पे नंद नंदन श्री कृष्ण बोलेंगे हम तो, पर यहाँ देवकी पुत्र श्लोक के अंदर भी है तो वैसे ही चलेगा। एक मंत्र, एक ही प्रार्थना हो उनके नामों का कीर्तन, और सभी का केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। सो क्लैपिंग फॉर हिम आल्सो। आप बोल, अच्छा उद्धव को एक्सप्लेन करेंगे इसका। तो इस श्लोक का अर्थ है कि सबसे पहली जो लाइन आती है, एको एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, तो इस लाइन का मतलब है कि एक ही हमारा शास्त्र होना चाहिए जो कि सबसे प्रोमिनेंट शास्त्र जो है वो है देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। तो भगवत गीता का भी मतलब देवकी पुत्र गीतम ही है। उसके बाद आती है एको देवो देव देवकी पुत्र एव, तो हमारे देव मतलब जो हमारे ईश्वर वो हमारे होंगे देवकी पुत्र एव, देवकी पुत्र फिर भगवान कृष्ण, अनेक नहीं है वो ही। एको मंत्रस्तस नामानि यानि, एक ही मंत्र है जो कि उनके ही नाम है, उन्हीं का ही हमें एक उसी मंत्र को हमने जाप। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, तो हमें उन्हीं की ही हमारा कदम भी यही है कि हम उनकी ही सेवा करें। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। तो भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। एकमात्र भगवत गीता का ही अनुशीलन हमने करना, इन्होंने इसे बताया। जो भगवत वाणी स्वयं श्री कृष्ण उनके मुख निस्सृत भगवत वाणी, श्री कृष्ण की वाणी पे अटल अचल विश्वास रखकर उसका पालन करता है, उसका पाठ करता है भगवत गीता का, और उसका अध्ययन करता है, उसको सुनता है शुद्ध वैष्णव के अनुगत में, उसके लिए कुछ और शास्त्र पाठ करने की जरूरत नहीं रहती। अब इसी संदर्भ में हमारे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज का चज दंडी स्वामी शिष्मद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी एक बार अपने जो प्रचार कार्य से विदेश गए, और विदेश में ही यूएसए में एक शहर है फिनिक्स, वहां गए। वहां क्या हुआ? हमारा श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ का पार्टिसिपेंट जनार्दन दास बताएगा,
वहां क्या हुआ? हरे कृष्ण। तो एक बार की बात है, प्रचार के लिए हमारे प्रिय गुरुवर अमेरिका गए। अमेरिका में एक राज्य है एरिजोना। एरिजोना की राजधानी फिजनिक्स में एक बहुत ही बड़े लेवल का उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब कार्यक्रम के बाद खाने की व्यवस्था भी थी ठीक। और अच्छा, वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने गुरु महाराज की कथा सुनी, सब कुछ सुना। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता तो उसके बाद वो सारे गुरु महाराज के पास आ गए, उनसे बातें करने लग गए। तो वहां का एक डिसाइपल, वहां का एक डिवोटी उनको कहता है कि मैं अपने दिन का कोई भी काम शुरू करने से पहले, मतलब दिन में कोई भी काम करने पहले सुबह एक बार भगवद गीता का पाठ करता हूं। तो वो अपने महाराज जी मन में सोचने लगे कि वाह, मतलब एक वेस्टर्न कंट्री का बंदा अपना दिनचर्या के शुरुआत से पहले भगवद गीता का पाठ करता है, ये तो क्या पता हमारे देश वाले भी नहीं करते हो। तो बड़े खुश हुए। और उसके बाद ही उसने एक ऐसी बात कर दी, उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को एक अति मानव, एक सुपर ह्यूमन, एक राजनीतिज्ञ, मतलब एक पॉलिटिशियन और एक कूटनीतिज्ञ, एक डिप्लोमेट की तरह मान सकता हूं, बहुत अच्छे ये थे, पर मैं उनको भगवान की तरह स्वीकार नहीं करता। उन्होंने उनको कहा कि अच्छा, आप सुबह सुबह गीता का पाठ करते हैं, तो आप मुझे गीता का पाठ करते तो उसमें से एक प्रमाण दे दें जिसमें ये चीज साफ हो जाती है कि भगवान एक बहुत अच्छे डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन और सुपर ह्यूमन थे। ये गुरु महाराज ने उसको कहा, उससे वापस क्रॉस क्वेश्चन करा, तो वो कोई दे नहीं पाया इसका जवाब। तो फिर वो उनको बताते हैं कि इसका प्रमाण नहीं है कि वो ये सब थे, पर इसका जरूर प्रमाण है कि वो खुद स्वयं भगवान थे। तो कहते हैं कि भगवान ने अपना ह्यूमन फॉर्म, वो क्या कहते हैं, धारण किया, इसलिए क्योंकि देवकी वासुदेव के वात्सल्य रस को सेवा प्रदान करने के लिए। तो अब कोई बंदा उनके वास्तविक स्वरूप को ना मानकर कि वो भगवान नहीं है, तो एक बहुत बड़ी भूल है। अगर कोई बंदा उनको भगवान नहीं मानता, अगर कोई बंदा गीता की शिक्षाओं को स्वीकार ना करके उसको अपनी जीवन में आचरण में नहीं लेता, तो उसका गीता पढ़ना और ना पढ़ना एक समान है। तो आगे बस ये खत्म है, कुछ शिक्षा और भी थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। ये बच्चे सबने अपनी अपनी अनुभूति बताई, अपना अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बताया। देखिए, गीता तो अनेकों लोग पढ़ रहे हैं, मायावादी लोग भी पढ़ रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को भी नहीं मानते, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता को कोट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग आप रूटीन में देखेंगे। भारत एक ऐसा देश है, यहाँ तो रस्ते पे साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले को भी पूछो भगवत गीता का क्या उपदेश है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सुना देगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, करते जाओ। एक और आपको दिया, एक गीता सार, एक और आप देखो, आप चलाओ, इसमें रेड कलर का है, बड़ा प्रसिद्ध है। गीता का सार क्या है, ये बड़ा प्रसिद्ध है, पर कितना ऑथेंटिक, कितना बोनाफाइड, कितना सही है। मोटा बड़ा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, तुम्हारा क्या गया, तुम रोते क्यों हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया, आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, ये भी एक उपदेश उनके हिसाब से। लोग बहुत सी शिक्षाएं
आपको निकाल के भगवत गीता में से बताते हैं। ये उपदेश है भगवत गीता, ये उपदेश है, ये बात। तो भगवत गीता में तो अनेकों उपदेश है आत्मा तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में। कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, कैसे करना है, कौन सा कर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में शिक्षा है। योग के बारे में शिक्षा है, ज्ञान मार्ग की शिक्षा है, ये सब शिक्षाएं हैं। भक्ति योग के बारे में शिक्षा है। तो कौन सी शिक्षा ग्रहण करने लायक है और कौन सी शिक्षा किस दूसरी शिक्षा से ऊंची है, बेटर है, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। इसके लिए फिर वापस उसी बात पे आ जाते हैं जहां से आज हम लोग वही वैष्णव ठाकुर कीर्तन के बाद शुरू किए थे। वही वैष्णव ठाकुर कीर्तन के बाद क्या शुरू किए थे हम लोग, क्या बताए थे, ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, केवल परंपरा से, केवल अनुगत्य से। भगवान को अर्जुन पूछता है, पुरानी पुरानी बातें बताते हो आप तो मेरे भगवत गीता का, ये मैंने पहले सूर्यदेव उसको भी दिया था विवस्वान को, उसने अपने पुत्र को दिया इक्ष्वाकु को, फिर मनु पे आया, ये धीरे 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 इमम राज ऋषियों विदु क्या एवं परम प्राप्तम इमम राज ऋषि, ये परंपरा द्वारा प्राप्त ज्ञान है। परंपरा कौन सी, ये शुद्ध परंपरा। सुबह गाते ना हम लोग, कहां से हमारी परंपरा शुरू होती है, परंपरा के सबसे पहले आचार्य कौन है, कौन है, रोज तो सुबह गाते हैं हम लोग, कौन है, कहां से परंपरा शुरू हुई हमारी, सुबह गाते हैं, कौन है सबसे पहले, कृष्ण, कृष्ण होते चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन, ब्रह्मा जी। उसके बाद नारद जी से, नारद होते व्यास, व्यास के शिष्य कौन थे, संजय जी, निहरी, ठीक है। अब ये भगवत गीता किन्होंने देखी, ये भगवत गीता कैसे देखा, किसने देखा, सारा वृत्तांत किसने दिया, संजय ने। भगवत गीता टोटल 700 श्लोक, जिसमें से 574 भगवत गीता के श्लोक बोले भगवान श्री कृष्ण ने, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने, और मात्र एक धृतराष्ट्र ने। इसका सार हम लोग आगे समझेंगे। आज एक विशेष तिथि है, महाराज जी आ गए हैं हमारे, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे महाराज जी पूज्यपाद्य दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति सौरभ आचार्य महाराज जी आज की इस विशेष तिथि पे, तथा जो ठीक समझे भगवद गीता के ज्ञान पे, हम लोग उनसे श्रवण करेंगे और आगे भी श्रवण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे
बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल नित्यानंद बोल गौर हरि बोल जय नित्यानंद बोल गौर हरि बोल नित्यानंद बोल श्री अद्वैत बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल नित्यानंद बोल श्री अद्वैत बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि दास बोल गदाधर बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल हरि हरि बोल नित्यानंद बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि दास बोल गदाधर बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल हरि दास बोल नित्यानंद बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री गाधि बोल भक्तवृंद बोल गौर हरि हरि बोल गौर हरि बोल श्री गाधि बोल भक्तवृंद बोल जय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री गाधि बोल भक्तवृंद बोल हरि हरि बोल गौर हरि बोल श्री गाधि बोल भक्तवृंद बोल जय गौर हरि बोल हरि हरि गगानतिमिलान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितानि येन तस्मै श्रीगुरवे नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परमारद्धतम सृष्टि गुरुपाद पद्म में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद परिव्राजक आचार्य त्रिदंडेश्वामी श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का श्री चरण में प्रणत होकर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नित्यलीला प्रविष्ट पूज्यवाद दंडेश्वामी श्रीमद भक्तिभूषण भागवत महाराज पूज्यवाद दंडेश्वामी श्रीमद भक्ति विकास बावन महाराज पूजनीय वैष्णववृंद भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबको मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सबको की प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष शुभदातिथि आज जगबंधु भक्तिरंजन जी का तिरुभाव तिथि उनका बारे में सपार्षद प्रभुपाद जी किताब है इसमें लिखा है, मैं इसके बारे में पाठ करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना क्यों वैष्णव के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि में विष्णु का विशेष भावी याद करना चाहिए। ये शास्त्र का विधान विष्णु की याद करना चाहिए। इसलिए मैं पहले आज जिनका तिरुभाव तिथि जगबंधु भक्तिरंजन प्रभु के तिरुभाव तिथि में उनका बारे में हमारा सपार्षद प्रभुपाद ग्रंथ में लिखा है, मैं पाठ करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनना, इधर उधर मन नहीं रहे। श्रीपाद जगबंधु भक्तिरंजन प्रभु कोलकाता बागबाजार स्थित श्री गौड़ीय मठ प्रकाशित होने पर कोलकाता निवासी श्रीयुक्त जगबंधु दत्त महाशय कोई दिनों में गौड़ीय मठ में आते रहे थे। प्रथम उन्होंने अभिज्ञ विषय के दृष्टि से मठ के विभिन्न कार्य आदि का दर्शन करते थे। एक दिन श्रीपाद अनंत वासुदेव प्रभु से कहा, अनंत वासुदेव प्रभु थे जिन्होंने प्रभुवाद का बात गौरी मठ का आचार्य बने थे, उनको बोले। एक दिन श्रीपाद अनंत वासुदेव प्रभु से कहा, जीवन में बहुत स्थानों पर वैष्णव का बहुत प्रकार की व्यभिचार एवं धर्म का व्यवसाय देखकर मैंने वैष्णव धर्म के प्रति संपूर्ण रूप से श्रद्धा खो बैठा था। गौरिया मठ भी उसी प्रकार है कि नहीं, वो सठिक रूप से देखने के लिए मठ में 3 साल तक मैं आता था, किंतु गौरिया मठ के भक्त के आचार विचार निष्ठा
एकांत गुरु भक्ति निर्मल चरित्र हरिकथा प्रचार हरिकथा प्रचार में अदम्य उत्साह एवं प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा विशेष रूप से लक्ष्य किया। अब मेरी समझ में आया कि गौरी मठ के आचार्य का चरणाश्रय न करने से असंख्य साधारण भ्रम में पतित एवं धर्म के विपरीत विचार से अभिभूत जीव का परम मंगल प्राप्त करने का कोई भी उपाय नहीं है। आप सब वास्तविक रूप में आचार्यवान आदर्शवान श्रीमद् भागवत चरण में उत्सर्गीकृत निष्कपट भजनशील शुद्ध वैष्णव है। उसके बाद शीघ्र ही श्री जगवंधु दत्त महाशय ने काय मन वाक्य से संपूर्ण शरणागति के द्वारा श्रील प्रभुपाद के चरण में आश्रय लेकर हरिनाम एवं दीक्षा ग्रहण की एवं धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के प्रचार के वैशिष्ट को विशेष रूप से समझ पाए। उन्होंने श्रील गुरुदेव की चरण सेवा में आत्मा समर्पण कर प्राणैरर्थैर धिया वाचा इस शास्त्र वाणी के अनुसार समस्त श्रम चेष्टा बुद्धि एवं बहुत अर्थ व्यय करके कोलकाता बागबाजार स्थित गंगा के किनारे गौरी मठ के श्री मंदिर एवं सेवाखंड और नाट्य मंदिर का निर्माण करके श्रील प्रभुपाद एवं समस्त गुरु भ्राता वैष्णव के पार परम श्रद्धा के पात्र हुए। उनके गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में विशेष रूप से अनुराग एवं प्रीति देख अत्यंत संतुष्ट होकर विश्व वैष्णव राजसभा में श्रील प्रभुपाद भक्तिरंजन उपाधि से उनको विभूषित किए। भक्तिरंजन उन्होंने विश्व वैष्णव राजसभा एवं श्रील प्रभुपाद के मनोभीष्ट प्रचार के एक प्रधान स्तंभ के रूप में सबके श्रद्धा भजन हुए। 1332 बंगाब्द 10 कार्तिक श्रीमद् भक्तिरंजन प्रभु के विशेष आग्रह और अत्यंत भक्तिपूर्वक विनीत निवेदन से श्रीमद् कुंजबिहारी विद्याभूषण प्रभु कुंजबिहारी मैंने भक्ति बोला तीर्थ महाराज के पहले नाम है श्रीमद् कुंजबिहारी विद्याभूषण प्रभु श्रीमद् सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभु श्रीमद् अनंत वासुदेव प्रभु श्रीमद् भक्ति विवेक भारती महाराज एवं अन्यान्य के साथ श्रील प्रभुपद ने उसके बाज भवन में शुभागमन किया। श्रील प्रभुपाद के आने पर श्रीमद् भक्तिरंजन प्रभु ने परम आनंदित होकर एक विशेष भागवत सभा का आयोजन किया। भागवत सभा उनके भवन में श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य की दया के संबंध में हरिकथा कीर्तन प्रसंग के द्वारा श्रीमान महाप्रभु के गृहस्थ लीला एवं सन्यास लीला अभिनय की तात्पर्य व्याख्या की। उन्होंने वहाँ पर बताया।
हमारा परम गुरु जी प्रभुपाद भक्ति रंजन प्रभु का तिरुभाव तिथि आज, इन्होंने बहुत सेवा की भगवजर गौरी मठ के। आज उनका तिरुभाव तिथि में उनका आशीर्वाद पद्म भी अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। मैं कृपा करें मेरा ज्ञात अज्ञात समस्त अपराध मार्जना करते इसी प्रकार आशीर्वाद करी जैसे हरि गुरु वैष्णव सेवा करते अपना मनुष्य जीवन को मैं सफल कर सकूं। आज क्या है, क्या है आज, क्या ये भगवद गीता यहाँ पर लेके आया किस लिए? अच्छा, विषय भगवद गीता का चरम उपदेश। अच्छा, ये विषय श्रीमद् भगवद गीता का जो चरम उपदेश जो है, ये उपदेश कौन किया, कौन किया? भगवान श्री कृष्ण। कब किया, कब किया था, कहाँ पर किया था? कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पर उभय सेना आमना सामने हुआ, आमना सामने हुआ, और वहाँ पर अर्जुन, अर्जुन का सारथी है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री का अर्जुन का सारथी। अर्जुन इधर उधर सबको देखते हुए उसको मन में कैसा हालत हो गया, अरे ये सब तो देह संबंध सब व्यक्ति है देह संबंध व्यक्ति, ये लोग को साथ युद्ध करने पड़ेगा, युद्ध करके राजत्व भोग करने पड़ेगा। अर्जुन का दिल में कैसे विचार आया, इस लोग को मार के राजत्व लेके राजत्व भोग करना ये कैसे संभव? देखते हुए अर्जुन क्या क्या पता है गांडीव अक्षय तोन सब छोड़ दिया, बैठ गया, बैठ गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश करने पड़ा। ऐसा उपदेश नहीं क्या ऐसा उपदेश नहीं किया उन्होंने, ये जो उपदेश किया उन्होंने गीता में हम लोग देखते हैं। देखो 18 अध्याय है ना गीता में, 18 अध्याय में 18 युग का बारे में उपदेश किया। ये दुनियादारी के कोई लोग कर सकता है, संभव पता ही नहीं है उपदेश करे, लेकिन भगवान उपदेश करने पड़ा। 18 अध्याय में 18 विषय में कितना समय लगेगा, अरे कुरुक्षेत्र लड़ाई क्षेत्र में आप चिंता करो, लेकिन भगवान तो भगवान ही है भगवान भगवान ही है। अर्जुन को तो पहले कैसा बोला भगवान, इस समय में तुम्हारा दिल में क्या भाव, क्या हुआ ये ठीक है, बोलो लड़ाई करने के लिए तैयार होके रहा, तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा, और तुम लोग को देख के गांडी पिंड सब छोड़ दिया है, ये कैसा विचार,
इसलिए भगवान को उपदेश करने पड़ा। बाप रे, कितना उपदेश किया। उपदेश करने का बाद गांडीव छोड़ दिया था ना, गांडीव छोड़ दिया था, लेकिन भगवान को उपदेश से फिर वो गांडीव धारण किया, अक्षयतन पड़ा, क्या नहीं। और गांडीव पहले तो छोड़ दिया था, लेकिन भगवान को उपदेश करनी पड़ा। जो उपदेश सुनते हुए अर्जुन फिर गांडीव धारण किया, अक्षय तुन पड़ा, लड़ाई भी किया ना। अरे पापड़े बाप, कैसा लड़ाई किया अर्जुन, कितना अक्षौनी सेना था, सर्वमोट 18 अक्षौनी सेना। उसका अंदर में 11 अक्षौनी है कुरु जो है ओलोक को पास, सिर्फ 7 अक्षौनी है पांडव का पास, कितना कम है कि नहीं। होने से भी भगवान यहाँ पर है ना। जो लड़ाई हुआ था, कितना अस्त्र भगवान को अंग में लगा, कुछ नहीं कर पाया। किस लिए, कारण क्या है, पता है, पता नहीं है। एक दिन अगस्त ऋषि उन्होंने आए थे, किसके घर में, नंद महाराज के घर में आए थे। नंद महाराज अगस्त ऋषि आए उनका भोजन के लिए, हाँ वहां पर आके उन्होंने बोले, अगस्त ऋषि मैं भूखा हूं, मैं भोजन करूंगा, मेरा भोजन के इंतजाम करो। अभी सबको आदेश कर दिया नंद महाराज, कितना खाएगा पता क्या है, जो समुद्र को पान कर सकता है, यहाँ पर कितना खाएगा पता क्या है। इसलिए सबको आदेश किया, तुम लोग सब तैयारी करो, कम नहीं करना, ज्यादा करके करो। ये लोग तो सब तैयारी किया, खाने का चीज करने के बाद आसन दिया। जब आसन दिया, आसन देने के बाद बोलया, आइए अब आके भोजन करना। तो अगस्त ऋषि आए, आके बैठ गया आसन में। हमारा भगवान श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण तो बच्चा, ज्यादा उम्र नहीं है। श्री कृष्ण भगवान सामने में आके बैठ गया। किस लिए बैठा है, कारण क्या है। कितना खाएगा, हमारा पिता माता को अपमान करेगा, ये तो ठीक नहीं है। मैं साक्षात हूं भगवान कृष्ण, मैं साक्षात हूं, मेरा पिता मुझको अपमान करेगा, मेरा सामना में सामने में आके बैठ गया। जब बैठा है, एक खाने लगे, भोजन करते रहे करते रहे, लेकिन पद खाली नहीं हो रहा है, पूरा ही हो रहा है, पूरा खाली नहीं हो रहा है। अभी अगस्त ऋषि बोला, मेरा पेट भर गया, मैं खा नहीं सकता हूं, खा नहीं सकता, खाओ, कहते खाओ। क्यों, भगवान सामने में बैठा है ना, पूर्ण वस्तु ना, मेरे पेट भर गया, मैं यार खा नहीं सकता। तो उस समय अगस्त ऋषि की बात बताई कृष्ण को, कृष्ण हाँ ऐसे मैं भोजन किया, मेरा उच्छिष्ट जो है तुम्हारा सारा अंगन में लगाओ,
देखो कैसा ऋषि है, तुम्हारा सारा अंगों में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण ऋषि का आदेश है, आदेश तो पालन करना ही चाहिए। एकदम शीर से लेके लगाया, लेकिन चरण का नीचे में लगाया नहीं। अगस्त ऋषि देखा, देखा चरण का नीचे में लगाया नहीं। तो अगस्त ऋषि के बाद बताए, देखो कृष्ण, हाँ मेरा जो कर्तव्य था मैं कर चुका, अभी तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध तो कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। और ये चरण के नीचे में लगाए नहीं, देखा उस समय ये बात उन्होंने एक बोला, मेरा जो कर्तव्य था मैं करके गया, अभी तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं क्या करूं, कर नहीं सकता। ये चरण के नीचे में लगाया नहीं, वहां पर जरा वैध बन मरा था ना, मरा था कि नहीं? जरा वैध कौन है? जरा वैध बालिका पुत्र, क्या नाम था बालिका पुत्र? क्या नाम है? क्या अंगद? अंगद जब बाली का वध किया था ना, अंगद वहां पर था। कौन वध किया था? भगवान रामचंद्र। किस लिए? बाली के भाई सुग्रीव, सुग्रीव के साथ मित्रता किया था, और मित्रता करके उसके पक्ष से वो जो बाण मारा था वही बाण लगा था किसको? बाली को। जब बाण लगा, भगवान रामचंद्र नजदीक में जब आया, बाली क्या बोला? तो मुस्क इसी प्रकार बाण क्यों मारा? ना सुग्रीव को साथ में मित्रता किया, किस लिए? मेरा सीता को रावण हरण करके ले गया, सीता उद्धार करने के लिए सुग्रीव मेरा सहायता करेगा, इसलिए उसके साथ में मित्रता किया, और इसी प्रकार तुमको मारने पड़ा। तो बाली क्या बोला बता है? ये बात तुम मुझके बोला नहीं, रावण सीता को लेके गया, मुझको बोला नहीं, मैं उसको बोलने से साथ साथ सीता को लेके दिख गया था, साथ साथ मुझको बोला नहीं। क्यों? कारण क्या है? बाली समुद्र के किनारे पर बैठ के संध्या वंदना कर रहा था, संध्या करने के लिए बैठा, उस समय रावण आया। रावण के क्या बोला? मेरे साथ लड़ाई करो। लड़ाई? बोला हाँ, मैं तो अभी संध्या वंदना करने के लिए बैठा हो, तुम थोड़ा इंतजार करो, मेरा संध्या वंदना हो जाए तब तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा, लेकिन अभी करो मेरे साथ। ऐसा जब बोलने लगे, बाली क्या क्या पता है? लेज है ना, लेज को उसे गोला में ऐसा लगा के पानी में डुबा दिया, अन्य करने का बेटा उस समय जब समुद्र में डुबा दिया, कितना समय रह सकता है पानी के अंदर में? जब प्राण निकल रहा है ऐसी अब हालत, फिर उठाया बस किया, फिर डुबाया, ऐसे करके एक बार इसे तो किया, फिर तो उसका अवस्था खराब है, तुम लंका में छोड़ दिया उसको, जा लड़ाई करने के लिए मेरे साथ, एक दो लंका में छोड़ दिया,
तो बाली बोला, रावण सीता को ले गया, मुझको बोला नहीं, नहीं बोल के तो मुझ किसी प्रकार मार दिया। देखो कैसा है, बाली साधारण नहीं था, उसका एक पुत्र था अंगद। उस समय अंगद एक प्रतिज्ञा किया था, मेरा पिता को इसी प्रकार जो मरा है मैं इसको मारूंगा, मैं इसको मारूंगा। जब प्रतिज्ञा किया था क्या हालत हुआ पता है? देखो सारा जदुवंश खत्म हो गया, भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से सारा जदुवंश खत्म हो गया। क्यों, कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण देखा ये मेरा अंश में लोक को जन्म हुआ, दुनिया में ऐसे कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं है इसको मार सके, क्यों मेरा अंश में जन्म है, ये लोग को कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा से उनका वंश जो है उन्होंने खत्म करते चला गया। उन्होंने खत्म करके चला गया। अभी भगवान श्री कृष्ण उन्होंने क्या किया था पता है? जब वंश चला गया, एक बाल अश्वत्थ वृक्ष, बाल अश्वत्थ वृक्ष में ऐसा एक शाखा में बैठा है और डाइन पैर को बायर पैर का उर के ऊपर से ऐसा बैठा था वृक्ष के ऊपर। और ये जरा वैद उस समुद्र का किन हर रोज वहां पर एक लिंग था, बाल लिंगो, वो पूजा करता था। पूजा करने के बाद वो शिकार करने के लिए जाता था, शिकार करने के लिए। जब लिंग को पूजा कर किया, वो पूजा करने के बाद देखा बहुत सुंदर एक हिरण है, हिरण हिरण नहीं है, देखने में हिरण का मापिक। क्यों, वो जो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने बैठा है डायन चरण को बायर उर को ऊपर देके ऐसे बैठा था, तो चरण को देखा वो जरा वैद बाणलिंगों को पूजा करने का बाद जब देखा, वो क्या देखा, बहुत सुंदर एक हिरण, हिरण नहीं है, हिरण नहीं है, हिरण देखते ही जरा वैद बाण छोड़ा। जब बाण छोड़ा वो बाण लाख तो लाख किसके चरण में लगा? भगवान श्री कृष्ण के चरण में। तब जरा वैद शिकार पकड़ने के लिए जब आया, आके देखा, अरे ये तो हिरण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, हाय हाय, श्री कृष्ण को मैं बाण मार दिया, बहुत दुख हुआ। एकदम रो पड़े, भगवान के चरण में एकदम रो पड़े, मैं आपको ऐसे बाण मारा, मैं ठीक नहीं किया, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो सोचा था हिरण है, लेकिन हिरण तो नहीं है, आपका चरण में भी बाण मार दिया। वो रो पड़े, जब रो पड़े तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, तुम्हारी इच्छा से इसी हुआ, इसी प्रकार हुआ, तुम्हारी इच्छा से ही इसी प्रकार हुआ, इच्छा हुई जो मेरा पिता जो कुछ मरा है मैं उसको मारूंगा, इसलिए तुम्हारी इच्छा से इसी प्रकार हुआ। वो तो एकदम रो पड़े, बहुत किस्म का बात है। भगवान श्री कृष्ण कैसा लीलामय लीला करते हैं, आश्चर्य की बात है। जो कुछ हो आज भगवान श्री कृष्ण है,
এই যে গীতা উপদেশ কিসকো কিয়া থা অর্জুন কো গীতা উপদেশ কিয়া থা কিসলিয়ে কিয়া থা অর্জুন ধনুর্বাণ সব ছোড় দিয়া ছোড় কে একবার রথ কে উপর বৈঠ গিয়া মাই এ লোক কো সাথ লড়াই করনা লড়াই করে লোক কো মারনা মেরে লিয়ে সম্ভব নেই হ্যায় এ লোক মুসকো বারে তব ভি আচ্ছা হ্যায় लेकिन मैं नहीं मर सकता। जिसके लिए भगवान को वही गीता उपदेश करने पड़ा, गीता उपदेश करने पड़ा। उपदेश में बहुत किसी का बात है। आखिरी में अर्जुन जाके क्या बोला, गीता उपदेश श्रवण करते हुए नष्ट वह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मैं अच्युत शीतोष्मिगत संदेह गरिष्य वचन तब कई बात वाला आखिर में जाके मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा मैं अपना स्मृति में स्थित हो गया। तत्प्रसादात मैं अच्युत अच्युत मुझे क्या च्युति नहीं है माने भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कृपा से मेरा ये मोह सब चला गया। करिष्य वचन गतव तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। बोलने पड़ा अर्जुन को नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादात मैं अच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्य वचन गतव मैं स्थित हूं मेरा मोह सब नष्ट हो गया। तुम जब बोलोगे मैं करूंगा। करोगे बोला हाँ धर गंडी बाप्री पेना अक्षय तुम गंडी पेना अक्षय तुम पहन लिया और क्या बोले करो युद्ध करो युद्ध करो मुझे बोल सी करी से वचन तब तुम जब बोलोगे मैं करूंगा। करो लड़ाई करो युद्ध करो भगवान का आदेश से लड़ाई हो। बहुत किस्म का बात है इसमें। अर्जुन जो कुछ हो अभी तो ठाकुर जी को भोग लगा ना, भगवती कीर्तन होगा ना, आज भगवत गीता यहाँ पर आप लोग सुना, गीता पाठ होता है, गीता के बारे में आप लोग सुनते हैं अच्छे है विचार अच्छा है। भगवद गीता श्रवण करते हैं, इसका उपदेश सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके अर्जुन को उपदेश किया था। 18 अध्याय में 18 विषय में उन्होंने उपदेश किया। आखिरी में जाके वहाँ पर क्या बोला उठो लड़ाई करो। अब अर्जुन लड़ाई भी किया। लड़ाई करने के बाद सिर्फ पंच पांडव ये लोग और बाकी सब कितना लोग खत्म हो गया, कितना लोग चला गया लड़ाई में। लड़ाई तो हो गई, ऐसे होता है। जब भगवान कृपा करके श्रीमद भगवत गीता उपदेश किया था, इसलिए हम लोग को कर्तव्य है गीता का उपदेश। जो लोग को पता है वो लोग तो हर रोज कम से कम एक अध्याय करके तो पाठ करती है गीता का उपदेश। भगवान को उपदेश करता है कि नहीं? नहीं करता है लेकिन करना चाहिए। भगवान का उपदेश जो है गीता उपदेश किया भगवान, कम से कम हर रोज एक अध्याय करके पाठ करना। आपने बात बोलना नहीं चाहिए, मैं तो हर रोज एक अध्याय करके पाठ करता हूँ पाठ करता हूँ। मेरा तो क्या बोले सारा गीता ही कंठस्थ था
सारा गीता ही कंठस्थ था, लेकिन अभी उम्र हो गया ना, उम्र के वजह से सब भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ, पहले से भूलता नहीं था याद रहता था। तब भी हर रोज एक अध्याय करके गीता पाठ करता हूँ, क्या भगवान का उपदेश है ना, भगवान का उपदेश श्रवण करना सुनना चाहिए सबके लिए। आप लोग जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग पाठ करते हैं तो अच्छे हैं, जो लोग नहीं करते वो लोग भी पाठ करना चाहिए, गीता अध्ययन करना चाहिए। जो कुछ हो आज यहाँ पर आप लोग गीता का अध्ययन, गीता के बारे में यहाँ पर रखा विषय रखा वो भी यहाँ पर हुआ, बहुत अच्छा है। और अभी ठाकुर जी का भोग लगा, जरूर भोग आरती कीर्तन होगा ना, होगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं बोलते हुए भगवान का श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहैति कृपार्थना करता, मैं कृपा करें मेरा ज्ञात अज्ञात समस्त अपराध मार्जना करते इसी प्रकार आशीर्वाद करें। जैसे हरि गुरु विष्णु सेवा करते मनुष्य जीवन को मैं सफल कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना। वंश कल्पतरु कृपा सिंधु भय बचो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य संकीर्तन युवा संघ में जो साप्ताहिक रविवारीय कार्यक्रम है, हम लोग परम आराध्यतम श्री गुरुदेव जी के अनुगत्य में कई वर्षों से हर सप्ताह रविवार में अपनी रविवार आके यहाँ पे अपनी हाजिरी देके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसमें भाग लेकर किसी न किसी विषय पर चर्चा इष्ट गोष्ठी के माध्यम से कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं वैष्णवों के अनुगत्य में। अभी 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आएगी, जिस दिन भगवान ने ये दिव्य उपदेश गीतोपनिषद गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसी उपलक्ष्य में हमने इस सप्ताह गीता जी का महात्म और गीता जी का वास्तविक उपदेश ये हमने विषय रखा। कुछ इस हफ्ते इस सप्ताह श्रवण किया, कुछ हम लोग आगामी जो हमारी 8 दिसंबर तिथि है उसको श्रवण करेंगे। हमारे परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज कचज्जित दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव महाराज जी का एक दिव्य लेक्चर इस पे, दिव्य कथा इस पर है, उसको हम लोग अगले सप्ताह पाठ करेंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने भी एक कथा इस पे बोली, वो लेक्चर भी आज कुछ अंश में जनार्दन प्रभु जी ने बोला था। गीता महात्मा हम बच्चों ने सब लोग सुना, जो 8 श्लोक आदि शंकराचार्य जी ने दिए थे वो भी आज हमने श्रवण किए। तो इसी कड़ी में इसी श्रृंखला में अगले सप्ताह भी हम लोग आपसे निवेदन करते हैं, आप जरूर आइए। और जो हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव महाराज जी ने गीता का चरम उपदेश, वास्तविक उपदेश जो बोलकर बताया कि सर्वगुह्यतम उपदेश क्या है, वो हम लोग अगले सप्ताह श्रवण करेंगे इसी प्रकार वैष्णवों के अनुगत्य में। अभी कीर्तन होगा, तत्पश्चात आरती दर्शन करेंगे। सभी के लिए हमारे पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विकास वामन महाराज जी ने प्रसाद का
अरेंजमेंट किया है और हम लोग बहुत भाग्यशाली और बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग ये कथा श्रवण कर पाए हमारे पूज्यपाद दंडी स्वामी शिष्य भक्ति सौरभ आचार्य महाराज जी। महाराज जी तो खुद ही थोड़ा बताए कि सारी जितनी देर मठ में रहे महाराज जी रोज नित्य प्रति भगवत गीता पाठ करते हैं और पूरी की पूरी गीता महाराज को कंठस्थ थी। महाराज बोले आज भी होगी और मैं तो पर्सनली भी देखा कि रोज महाराज अनेकों स्तव स्तुतियां करते हैं उनमें से रोज एक भगवत गीता का अध्याय भी पाठ करते हैं। कार्तिक मास में चला गुरु महाराज जी की कृपा से इनके थोड़ा निकट रहने का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो मैं देखता था कितनी डिसिप्लिन्ड आचरण है इनका। रोज नित्य प्रति स्तव स्तुतियां जिस श्रृंखला में है वो करते महाराज जी और भगवत गीता का भी रोज अध्याय पाठ करते। ऐसा नहीं अनेकों हमारे जो गुरु वर्ग हैं वो दयानिधि प्रभु जी हमारे साथ उनके साथ हम लोग रूम शेयर कर रहे थे पुराने पुराने गुरुवर वो भी रोज सब स्तुतियां करते रोज एक अध्याय गीता पाठ करते। तो हम लोगों को महाराज जी का स्पष्ट आज तो आदेश भी प्राप्त हो गया कि सबको ऐसा करना चाहिए। रोज आज से हम लोग यही बात ले जाएं घर पे कि रोज एक अध्याय भगवत गीता पाठ करना चाहिए। अभी बच्चे ने बोला था क्या बोला था बताओ अभी बोला था एको देवो एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव उसके क्या बात क्या बोला था एको मंत्रस तस्य नामानि यानि ये भगवान की ही मुख निसृत वाणी है भगवान की ही वाणी है इसको श्रवण करना इसको पाठ करना अति मंगल का कार्य और भगवान का ही दिव्य उपदेश। तो हम लोग सभी रोज एक अध्याय भगवत गीता का पाठ करें ऐसा पूज्यपाद महाराज जी का ऐसा उपदेश। अब हम लोग कीर्तन और तत्पश्चात आरती दर्शन करने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna
हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे